खबर अब दिल्ली से है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। राजधानी दिल्ली में फ्लाईओवर के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सिलसिले में उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली के लोगों को आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें जाम से न जूझना पड़े। इसके लिए समय समय पर जरूरत है कि फ्लाईओवरों की मरम्मत का कार्य होते रहना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली के 3 फ्लाईओवरों के मरम्मत कार्यों और मेंटेनेंस को भी मंजूरी दी गई। दिल्ली में पहले से ही 6 मुख्य फ्लाईओवरों का मरम्मत का काम चल रहा है। इस पूरी परियोजना में कुल 52 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया है कि इन परियोजनाओं को समय के साथ पूरा किया जाए ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो और उन्हें ट्रैफिक से निजात मिले। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली के फ्लाईओवर का नियमित रूप से रखरखाव किया जाता है। वहीं ज्यादा ट्रैफिक दबाव के कारण फ्लाईओवरों में छोटी छोटी कमियां आ जाती हैं, जिसका पीडब्ल्यूडी के रिपेयर यूनिट द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है।